और सर, तो आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा ही होगा कि जो अपना सोनालिका है, इसकी जो फोर व्हील ड्राइव की जो शाफ्ट है वो टूट गई थी, और जो ये क्राउन पिनियन है ये टेढ़ी हो गई थी। आगे वाली क्राउन पिनियन है ये देखो, इस टाइप से टेढ़ी हो गई थी, तो अपन ने इसको भी चेंज कर दिया है। जो पीछे वाली शाफ्ट थी वो तो टूट ही गई थी, तो अपन ने उसको भी नया डाल दिया है। वो देखो, मैं भी ना दिख रही हूँ, बट अपन ने उसको नया डाल दिया है, और उसके साथ साथ भी काफ़ी सारे काम चल रहे हैं। और यहाँ पर अपन ने इसका जो लिफ्ट है वो भी झटके मार रही थी, तो इसका भी एक ओरिंग चेंज किया है, और इधर भी काम चल रहा है। और अभी मुझे इस ट्रैक्टर को कम्प्लीटली रीबिल्ड करना है, और कल तक इसके लिए चालू कंडीशन में रेडी करना है, ताकि हम कल्टीवेशन वगैरह का काम रेडी कर पाएँ। कल अपन ने इस एक्सल वगैरह सारे के सारे को खोल लिया था, बट फाइनली अब मैंने इसको लगा लिया है, और अब टायर वगैरह कसते हैं, और जो भी रह गया है सब कुछ लगाते हैं। सीट वगैरह भी लगानी है, यहाँ पे वायरिंग वगैरह भी करनी है, तो वो मैं कर लूँगा। तो जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। ऑल सेट, नाउ ट्रैक्टर लुक्स रेडी। ऑल सेट, तो आज अपने लिए करना है कल्टीवेशन का काम, और वो वाला ट्रैक्टर बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है, तो देखो आप उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको केस लिए ले जाना पड़ेगा। और इसकी क्लच प्लेट चेंज होनी है, ये पिकअप में दिक्कत कर रहा है, तो इसको भी कहीं भिजवाना पड़ेगा। चलो इसको फिलहाल अंदर तो रख ही देते हैं, बिकॉज उसका कोई काम नहीं है। पहले इसमें क्लच प्लेट डलवानी पड़ेगी। ये देखो हाई का अपन ने चौथा डाला, अरे देखो बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। देखो क्लच मैंने पूरी छोड़ दी है, क्लच पूरी छोड़ दी है, थोड़ा सा ब्रेक प्रेस किया, यानी कि अपनी जो क्लच प्लेट है वो स्लप हो रही है। आपको बड़ा गियर डालना है और ब्रेक दबा के देखना, अगर ट्रैक्टर जल्दी से बंद हो जाता है तो आपकी क्लच प्लेट ठीक है, और अगर नहीं बंद होता है तो समझो कि क्लच प्लेट स्लप हो रही है। तो इसकी क्लच प्लेट स्लप हो रही है, ये देखो क्लच प्लेट। इस कंडीशन में ट्रैक्टर को बंद हो जाना चाहिए, बट क्लच प्लेट स्लप हो रही तो ट्रैक्टर बंद नहीं हो रहा है। तो अपन जल्दी से इसकी क्लच प्लेट डलवा देंगे। आप चलो देखते हैं सोनालिका के फ्यूज वगैरह डाल के कि वो बैटरी चार्ज करता है या नहीं। अगर बैटरी चार्ज करेगा तो अपन उसको खेत पर लेके चलेंगे कल्टिवेशन के लिए, और नहीं करेगा तो किस लिए लेके चलेंगे ठीक करवाने के लिए। ऑल सेट, तो इसका एक फ्यूज डिस्टर्ब कर रहा था, और अब अपन ने इसका जो फ्यूज है वो चेंज कर दिया है, और अब शायद बैटरी चार्ज करने लगा है। तो चलो अब चलते हैं खेत और कल्टीवेशन का काम स्टार्ट करते हैं। और सामने विमलेश भी आ गया है, उसको भी बिठा लेते हैं। अब उपकरण तो लगो है यार बैटरी चार्ज, अब देखो कहाँ है। ट्राली का है मोटर तो बंद है। ऑल सेट, कल्टीवेटर कर लिया है अटैच। चलो अब इसकी परफॉर्मेंस चेकआउट करते हैं, क्योंकि अभी टू व्हील ड्राइव के अंदर है, इसका जो फोर व्हील ड्राइव वाली शाफ्ट है वो लगी नहीं है। चलो हूँ कर दिया काम स्टार्ट।
होलसेल सीजन काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों पर है और हमें 2-3 दिन के अंदर लगभग 50 से 60 एकड़ कल्टीवेट करनी है। तो हम लोग भी बिल्कुल नॉन स्टॉप अब लगे ही रहेंगे, डीजल डालो ट्रैक्टर चलाओ, डीजल डालो ट्रैक्टर चलाओ। और न्यू हॉलैंड भी जल्दी ही रेडी हो जाएगा। और भैया ये अपनी ककड़ी की चोरी कर रहे हैं, चलो इनसे मिल के आते हैं। का रिश्तेदार, तुम तो अकेले ही अकेले रपेट रहे हो यार, हमें खुआओ यार। फोटो खिंचवा रहा हो तो यार तुमने ले खिंच गई बस बहु धरा था दूर हिसाब है जितना आपको धरा थी कब से आ बन गया ऑल सेट। ये वाला खेत ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है और मैंने चाय वगैरह पी ली है। अब हम इसको पानी वगैरह पिला देते हैं और चाय पीने के लिए भेज देते हैं और ट्रैक्टर को लेके चलते हैं दूसरे खेत पे। एक खेत कंप्लीट हो गया है, अब चलते हैं सामने वाले खेतों में। ओ पंगा पै गया मेरे ब्रियो, पंगा पै गया साला, ढक्कन कहाँ गिर गया अभी अभी मैंने देखा। डीजल तो अभी मैंने चेक किया नहीं है, ये तो लफड़ा हो गया भैया। चलो मैं वीडियो में देखता हूँ कि कहाँ तक ढक्कन लगा रखा था। ए देखो, थैंक गॉड मिल गया। ऑलसेट तो भैया लेने के लिए आ गए हैं, अब अपन चलते हैं घर पे और एक बार डीजल चेक कर लेते हैं ट्रैक्टर में डीजल कितना है, अदरवाइज डीजल लेके आना पड़ेगा। और जो सामने वाला प्लॉट है अपन सोच रहे हैं इसको भी कल्टीवेट करा ही देते हैं। एक बड़ा वाला प्लॉट है गेहूँ वाला प्लॉट, उसको भी कल्टीवेट कराना है। काम तो अपने पास काफ़ी सारे हैं, चलो एक बार इसका डीजल चेक कर लेते हैं और चलते हैं घर पे। डीजल देख लें अंदर ना, इसमें तो शायद दिखेगा भी नहीं, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया यार। इसमें कौन पता पड़ने कितना है कितना नहीं है। चार दो छः, चलो हम ले आने डीजल, अबे तो नहीं चाहने अर्जेंट में। काम लेकिन बढ़िया बन रहा है, कल्टीवेशन काम बहुत अच्छा बन रहा है। चलो ऑल सेट, तो अभी मैं जा रहा हूँ डीजल लेने के लिए और मैं बाइक से इसलिए जा रहा हूँ कि अपन सीधे सीधे खेत निकल जाएंगे डीजल लेके। कार से जाएंगे तो फिर घर पे आना पड़ेगा, बिकॉज जो कार है वो खेत पे जा नहीं पाएगी। तो अपन ने 35-35 लीटर की दो कैनें रख ली हैं, तो लगभग 70 लीटर डीजल आ जाएगा और इतने में अपना काम चल जाएगा। तो चलो चल दें यहाँ नाइट में देख रहा है अपन। फुल सेट, तो मैं डीजल लेके आ गया हूँ खेत, डीजल डालते हैं और बिमलेस के लिए खाना खाने के लिए भेजते हैं। गिरना मत बेटे, ये गाड़ी नहीं हेलीकॉप्टर है, देखो कितने दूर से खेत में आ गई। ऑल सेट, इसमें डीजल डाल देते हैं और इसका एयर फिल्टर है उसको भी साफ़ कर देते हैं, क्या मालूम लास्ट टाइम कब साफ़ किया होगा। एयर फिल्टर भी कर दिया है साफ और एयर फिल्टर चेंज होने का हो गया है, तो ये भी ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑल सेट, उसको भेज दिया है, मेरी बारी है। पानी आ गया मेरे ब्रियो, पानी आ गया। क्या मौसम हो रहा है, मतलब सुबह ठंड लगती है, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और शाम को बारिश होती है और रात को फिर ठंड लगती है।
क्या मौसम है। और ये खेत लगभग 50-60% कंप्लीट हो गया है और मैं सोच रहा हूँ कि आज ये खेत कंप्लीट हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, कल अपन दूसरे खेत पे काम स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर अपन इस खेत को अभी के टाइम पे कल्टीवेट कर देंगे तो एक अपने पास काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा कि जो ये पानी वगैरह गिरेगा तो जितने भी ये कचड़े के सीड्स हैं ये जर्मिनेट हो जाएंगे और जब अपन इसमें फसल लगाएंगे जैसे अपन सोयाबीन लगाएंगे या धान लगाएंगे तो उस टाइम पे कचड़ा वगैरह बहुत कम निकलेगा या फिर निकलेगा ही नहीं। अभी अपन ने खेत को कल्टीवेट कर दिया, अब जो ये पानी गिरेगा इससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, अपने मतलब खेत के ऊपर पानी गिर जाएगा और जितने भी कचड़े के सीड्स हैं जैसे ये देखो प्लांट दिख रहा है आपको, ये जो प्लांट है इनके सीड निकलेंगे जब अपन इनको कल्टीवेट करेंगे तो ये ज़मीन पे गिर जाएंगे और फिर ये जर्मिनेट हो जाएंगे। और फिर अपन सीडिंग के पहले एक बार और कल्टीवेट करेंगे या फिर रोटावेटर चलाएंगे तो ये जो सीड जर्मिनेट हुए हैं वो मर जाएंगे और फिर अपन जो सीड ज़मीन में डालेंगे सिर्फ वही जो सीड अपन ज़मीन में डालेंगे सिर्फ वही जर्मिनेट होंगे और जितना भी ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे उनको मिलेंगे। और इसके साथ साथ सामने आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लगी है मूंग और मूंग में अपन ने की है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग किस टाइप की, अपन ने मूंग के अंदर लगाई है राहर। अभी मूंग कट जाएगी लगभग 20-25 दिन बाद और फिर जो राहर है वो बाकी की ग्रोथ करेगी। और एक्चुअली क्या होता है जब अपन बारिश के टाइम पर राहर लगाते हैं तो वो झिलक जाती है यानी कि उसकी जड़ें गल जाती हैं ज़्यादा पानी गिरने के कारण। जो राहर है वो ऐसी फसल है जो ज़्यादा पानी नहीं सहन कर पाती है। तो अपन ने इंटरक्रॉपिंग करी है कि गर्मियों के टाइम पे अपन ने राहर लगाई है तो ये जो राहर है ये अपनी अभी मतलब तो ये जो अपनी राहर है ये अब बड़ी बड़ी हो जाएगी। जब ये बड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसकी जो जड़ें हैं वो भी बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो जब बारिश में पानी गिरेगा तो ये पानी को झेल जाएगी यानी कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। उस टाइम पे इसको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे पानी से, बल्कि उल्टा इसको प्रॉफिट होगा बिकॉज अब प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए पड़ेगा तो जितना मर्जी पानी गिर जाए तो उसको बेनिफिट ही होगा। तो जो अपनी राहर है वो कटती कब है, वो कटती है ठंडों के टाइम पे। तो लगभग इसके लिए अच्छा खासा लगभग 10 महीने का टाइम मिल जाएगा ग्रो करने के लिए और बहुत बेहतरीन होती है। अगर आप रेगुलरली व्लॉग्स देखते आ रहे होगे तो इस बार भी हम लोगों ने गर्मियों में राहर लगाई थी और उसकी हाइट समथिंग लाइक 12-12 फीट 13-13 फीट की राहर हुई थी। यू कांट इवन इमेजिन इतना मोटा उसका पेड़ हुआ था राहर का जो अपन ने गर्मियों में लगाई थी। अब इस बार देखते हैं कि कैसा क्या रिजल्ट रहता है। पॉलिनेटर सुबह लगभग 9 बजे चालू किया था 9:50 पे और अभी तक इसको बंद नहीं किया है। अभी बज गए हैं 3:30, बस 4 बजने वाले हैं तो अपन ने सुबह से इसको बंद नहीं किया है। लगभग 6-7 घंटे से नॉन स्टॉप चल रहा है और अभी तो चलेगा रात तक लगभग 10-12 घंटे नॉन स्टॉप चलेगा। पानी बड़ा परेशान कर रहा है। ये वाला प्लॉट भी कंप्लीट हो गया है और अब अपन जा रहे हैं अपने तीसरे प्लॉट में और आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, अपन ने काफ़ी सारा काम कर लिया है और अपन चलते हैं घर पे। काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले का आया हूँ। ये देखो मूंगी, देखो मेरे बिरयो मूंगी, देखो कहीं कहीं तो ये सूखने भी लगी है। और मेरा प्लान इस वाली पूरे खेत में लगाने का था, इस पूरे खेत में यहाँ पर, बट कोई ना, डैडी ने बोला कि ज़्यादा मत उड़ो बेटे, ज़्यादा मत उड़ो, जो कुछ है लिमिटेड करो। मैंने कहा चल ठीक है, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, तो नेक्स्ट ईयर लेकिन गारंटी से लगाएंगे। ऑल सेट, तो अब कल्टीवेशन करना है अपने लिए इस प्लॉट में, गेहूं वाले प्लॉट में, तो चलो अपन ने काम शुरू करवा दिया है। ऑल सेट, गोइंग बैक टू द फार्म। और मैं सोच रहा हूँ जो बड़ा वाला प्लॉट है वो आज अगर कम्प्लीट हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। काम चल रहा है जवाई मारो मार। अगर आज ये प्लॉट कम्प्लीट हो जाता है इतना वाला तो मतलब मज़ा आ जाएगा, छाती ठोकने लायक काम हो जाएगा।